फेमस डायलॉग है, एक कंटा मानेंगे तो एक तप्पा खाकर गिरोगे, लेकिन हमारे हैंडसम पांडे जी जब पंच मारेंगे तो आप हंस हंस कर कुर्सी से नीचे गिरेंगे। प्लीज वेलकम हेमंत पांडे फ्रॉम कानपुर। शेखर जी बहुत बढ़िया लग रहा है आप, बहुत स्मार्ट हैं। एक तो आप सेलिब्रिटी हैं तो स्मार्ट तो लगेंगे। कितने लोग आपके ऊपर मरते होंगे। सर एक हम है जो कुंठा से मरे जा रहे हैं। सही बता रहा हूँ सर, कितने गिफ्ट आपके आते होंगे। और वैलेंटाइन डे में इतने गिफ्ट आते होंगे कि सर खुद नहीं गिन पाते हैं। हमने एक बार एक लड़की से कहा अपने बॉयफ्रेंडों के यहाँ लोग इतने सारे गिफ्ट भिजवाते, कुछ हमारे लिए भिजवा दो। सर उसने हमारे यहाँ पुलिस भिजवा दी। सही बता रहा हूँ सर। अर्चना मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी लड़की से कह दें कि हमें तुमसे मिलना है तो जवाब पता है क्या आता है? तुझसे मिलेगी मेरी जूती। और अगर शेखर जी कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हो तो जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में होगा वो राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अर्चना जी हमने सबक दिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि चार छह हराम खोर उसका आंसू पोंछने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। तो सर हम हो गए हैं सीनियर आशिक, इतने बार रिजेक्ट हुए हैं तो हम सीनियर आशिक हो गए हैं। तो हमारे जूनियर आशिक ने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने कहा ऐसा सोच समझ के हमको जवाब दे देना। कल उसके चार भाई जवाब देने गए थे, आज डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है। कुल मिला के मैम वो हमारा काम 35 करके चली गई। अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे काम 35। काम 35 का मतलब होता है किसी को निपटा देना। अच्छा। अब सीधा उदाहरण ये समझ लीजिए, अर्चना जी ने कई जजों का किया काम 35। जब से अर्चना जी ने काम लोगों का 35 किया है, सबसे ज्यादा सतर्क है शेखर जी। न साले से खतरा है, न साली से खतरा है, इनको बिल्कुल नहीं आजकल ठोको ताली से खतरा है। जब से नई वाली ने निपटाया है पुराने जजों को, तब से शेखर जी को बगल वाली से खतरा है। तो मैडम आप काम 35 का मतलब समझ गई होंगी। समझ ये हमारे यहाँ यूज होता है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में, काम 35, चिकाई, भोकाल, लफाज, ये सब कुछ हमारे यहाँ बहुत हिट है। अब चिकाई होती है हमारे कानपुर में, अक्सर एक दूसरे से लोग कहते हैं गुरु ऐसा चिकाई ना करना, कहते चिकाई चिकाई में तुमने ये कर दिया। चिकाई का मतलब होता है कि मौज लेना, किसी की मौज ले ली भले थोड़ा बहुत उसको बुरा लग जाए। अच्छा, अब हमारे जब ट्रेन आना होता है तो हरी बत्ती जलती है, उसका संकेत होता है कि ट्रेन आ सकती है। अब हमारे कानपुर के लुंडे वो चिकाई चिकाई में उसी हरी बत्ती में लाल पन्नी चिपका देते हैं, फिर वो छुप जाते हैं। अरे फिर जब पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं तो पूछते हैं क्यों बे काहे किया था ये, तो कहा साहब वो चिकाई चिकाई में हो गया। फिर रात भर पुलिस वाले उसके साथ चिकाते हैं। ये होता है चिकाई। एक कैरेक्टर सर हमारे यहाँ होता है लफाज। लफाज वो लोग होते हैं जो आए बाएं साएं कुछ भी बके। अच्छा। असल में उनके पास अनाप अनाप पैसा होता है, बहुत पैसा उनके पास होता है, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं, तो खाली बैठे रहते हैं, कोई निकल रहा होता है तो लफाजी में उसकी कोई बेइज्जती, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो लाफ्टर के जब पहले एपिसोड से हम गए तो एक हमारे मुन्ना भैया हैं कानपुर में, बहुत बड़े लफाज है मैडम, उन्होंने उनको बुलाया पांडे यहाँ आओ, हो आए लाफ्टर में, तो हमका भैया हो आए, कहने कैसा रहा? अरे हमने कहा बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया, कहने कौन कौन था? हमने कहा शेखर जी थे। ये बताओ पांडे तुम्हारे में तोप चली थी कि नहीं? तुम कहने तोप तो नहीं चली थी। तुम तो कहने का कहो तो बम ले ही चले। कहने के दूसरा कौन? हमने कहा बगल में बैठती है मैं अर्चना पूरन सिंह जी। कहने पांडे सुंदर बहुत है, हस्ती बहुत अच्छा है, एक बार हमारा हेलो बोल देना। हमका मुन्ना भैया अर्चना जी को तुम नहीं जानते हो, बहुत खतरनाक है वो। उनकी नई मूवी आ रही है गदर 3। गदर 2 तो वो खुद नहीं आने दे रही है, अब उसमें वो तारा सिंह का रोल कर रही हैं, सनी देओल की जगह। और ये बात जब से अशरफ अली को पता चला है वो पाकिस्तान से दुबई भाग गया है। तो मैडम कानपुर के लुंडे बहुत लफाज हैं, तो स्टेटस वो लगाते हैं हम समंदर हैं हमें खामोश रहने दो, जरा सा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे। सर ये वही लुंडे हैं जब बरसात पानी जब भर जाता है तो पैंट घुटने तक चढ़ा लेते हैं, ये वही ऐसे स्टेटस डालते हैं। अच्छा सर लफाजी लफाजी में
अगर कोई सच बोल दे तो आदमी झेल नहीं पाता है। अब मुन्ना भैया से उनकी पत्नी ने कह दिया, सुनो तुम जब चले जाते हो ना बाहर, हमको बहुत डर लगा रहता है। तो मुन्ना भैया ने कहा, पगली काहे डर लगा रहता है, हम जल्दी आ जाएंगे। बोले, इसी बात का तो डर लगा रहता है। हम लोग तो कानपुर के वहां सर बहुत बड़े बड़े वाले लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब वो भी बहुत बड़े वाले हैं। हमारे शर्मा जी डॉक्टर के ऊपर चढ़ बैठे, कह लगे, डॉक्टर साहब ये जो तुमने चार दवाई लिखी है इसमें तीन तो मिल रही है, ये चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? कह लगे, अरे यार हम इसको लिख नहीं रहे थे, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे, और तुम दवाई समझ रहे हो, कहीं तुम्हारे चक्कर में पूरे शहर का परिक्रमा हो गया है। 52 मेडिकल स्टोर हम हो आए हैं, एक कह रहा है कि दवाई खत्म हो गई है कल आना, दूसरा कह रहा है कि इसकी कंपनी बंद हो गई, कहो तो उसका सब्स्टिट्यूट दे दें, तीसरा कह रहा है ये ब्लैक में मिलेगी, और चौथा वाला कह रहा है कौन पगलेट इसको लिख के दीस है, ये कोरोना की दवा है, कोरोना जाने कब खत्म हो गया था। ऐसे लोग सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले हैं, सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले लोग हैं कि भारत बंद के दौरान एक आदमी चड्डी पहन के सड़क पे आया, हमने उससे पूछा तो उसने कारण बताया, हमारा विरोध और प्रदर्शन मिला जुला है, बंद समझो तो बंद, खुला समझो तो खुला है। ये सर हमारे यहाँ होता है। बहुत बढ़िया, सही बता रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया। बच्चे भी हमारे बहुत बड़े वाले हैं, हम तो एक स्कूल में पढ़ाते हैं कानपुर में, तो हमने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा ये बताओ, एक किलो रुई और एक किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? तो मास्टर, उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेकू, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि एक किलो रुई एक किलो लोहा, जब दोनों एक किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा? उसने कहा मास्टर साहब आप हमको एक किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको एक किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाओगे क्या भारी होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, ये जो आपने कानपुरिया लहजे में जो भावकाल मचाया है सर, और जो क्या है चिकाई की है चिकाई। वो कमाल है। और किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है वहाँ? सर बहुत अच्छा मिल रहा है, कह रहे कानपुर आओ बताते हैं। अच्छा मिल रहा है। हेमंत, कॉमेडी में हमेशा कहते हैं कि टाइमिंग की बहुत यू नो इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो पेस आपके मटेरियल की थी, द वे यू केप्ट द पेस, हर जोक का टाइमिंग होता है, पंच लाइन का टाइमिंग होता है, लेकिन आपने जो पेस लगातार यहाँ पर रखी है वो बहुत ही बढ़िया था, उसने आपके एक्ट को चार चांद लगाए। और उस चार चांद लगाने के लिए हम आपको दो चीजें देना चाहते हैं, तबीयत से खड़े होंगे और बगैर कोई लफाजी किए आपको वो कहेंगे जो हमेशा किसी होनहार प्रतिभाशाली फनकार के लिए हम कहते आए हैं, आप कॉमेडी के होप है और लाफ्टर की तोप है।